शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, आप हमारे डीसीपी साहब हैं पुलिस फोर्स से। हम लोग आज जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो गई है गाजियाबाद में बिल्कुल। अब साहब ने हमें आदेश दिया है कि जो मनोज सिन्हा जी से हमें निवेदन करना था वहां के उपराज्यपाल जी से, वो हम लिख के दे रहे हैं। साहब ने ये विश्वास दिया है कि ये उन तक पहुंच जाएगा। कब पहुंच जाएगा तो मैं जरा साहब को पढ़कर सुना दूं। सेवा में श्रीमान मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल जम्मू व कश्मीर। विषय: इस्लामिक जिहादियों द्वारा की जा रही लक्षित हिंसा पर आपके द्वारा दिए गए भ्रामक बयान के विरोध में ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि मैं और मेरे साथी सन्यासी आपसे मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के आपके आवास पर आ रहे थे, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस हमें आपके पास आने से रोक रही है। अतः यह ज्ञापन गाजियाबाद प्रशासन के माध्यम से आपको भेज रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जम्मू क्षेत्र में आधार कार्ड देखकर इस्लाम के जिहादियों ने कुछ हिंदुओं की हत्या की है। इस तरह की हत्याएं वो लगभग पिछले 1400 सालों से पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हम सनातन के मानने वाले हिंसा के इस विभत्स और नंगे नाच के सबसे निरीह शिकार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर में इस्लाम के जिहादियों ने अपने अल्लाह, उनका भैया जो भी ये अल्लाह वल्लाह है, उसके संदेश वाहक मोहम्मद और उसकी किताब कुरान के अनुसार आचरण करते हुए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया था। इन कश्मीरी पंडितों ने क्या क्या यातनाएं झेली हैं, शायद उनके बारे में आपने भी सुना होगा। अगर ये कश्मीरी पंडित सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए होते तो उन्हें बर्बाद होने की जरूरत नहीं पड़ती और ये अभी भी आराम से कश्मीर में रह रहे होते। कांग्रेस तथा अन्य मुस्लिम परस्त दलों के नेता इन लुटे पिटे पंडितों सहित सारी दुनिया को यह बताते रहे कि मोहम्मद और उसकी किताब के अनुसार होने वाले इस विशुद्ध इस्लामिक कुकृत्य को किसी भी धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उस समय बहुत सारे हिंदू उनकी इन बातों पर विश्वास भी कर लेते थे, क्योंकि उन्हें मोहम्मद के कारनामों, कुरान के आदेशों और हदीसों में लिखे गए खौफनाक इस्लामिक कायदे कानूनों के बारे में जानकारी नहीं थी। परंतु आज संचार क्रांति के युग में, जब मोहम्मद की जीवनी की एक एक घटना को समझा जा रहा है, कुरान के एक एक अक्षर को पढ़ा जा रहा है और हदीसों को परखा जा रहा है, तब आपका यह कहना कि इस तरह की लक्षित हिंसा को किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, यह इस्लाम के जिहादियों द्वारा मारे गए कई सौ करोड़ हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। और जहां तक बात हिंसा में कुछ मुसलमानों के मारे जाने की है, तो आपको उसको समझने के लिए मोहम्मद के जीवन सहित इस्लाम के 1400 साल के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए मैं और मेरे सन्यासी बंधु आपको कुरान सहित 150 किताबें और इस्लामिक विद्वानों के भाषणों की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेंट करना चाहते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमें मिलने का समय देने की कृपा करें। हम सभी सन्यासी आपके जम्मू कश्मीर आवास पर आकर आपको यह सामग्री भेंट करेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा से प्रार्थना है कि वो आप सहित हम सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि हम सब मिलकर अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपनी संतानों सहित अपने अस्तित्व को बचा सके। और भैया, हम ये सारे सन्यासी मिलके ये ज्ञापन जो है डीसीपी साहब को दे रहे हैं, डॉक्टर इरज राजा जी को, और हमारा उनसे अनुरोध है कि वो हमें उपराज्यपाल जी जम्मू कश्मीर से मिलने का समय दिलवाए और हमारे इस ज्ञापन को उन तक पहुंचा दें। दोनों साइड से लेंगे।